सर, इसका बाघ परियोजना में लापता ST-5 बाघिन का 1.5 माह बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि रेडियो कॉलर के सिग्नल मिलने के बावजूद वन कर्मचारियों को बाघिन का पता नहीं लग पा रहा। वन कर्मचारियों के अनुसार बाघिन बार बार अपनी लोकेशन बदल रही है। ऐसे में वन कर्मी सिग्नल के अनुसार उसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन बाघिन के पग मार्क नहीं मिल पा रहे। गौरतलब है कि लगभग 1.5 माह पहले से ही लापता बाघिन ST-5 जहां उसकी टेरिटरी अकबरपुर रेंज के उमरी रोड कला में थी, उसके बाद फिर उसके रेडियो सिग्नल नहीं मिलने के बाद सदर रेंज में सिग्नल मिलने लगे थे, जहां उसके शतरंज की ऑल ग्वाल के जंगल में सिग्नल मिलने के बाद वन विभाग में तसल्ली आ गई थी। फिर उसकी खोज में अतिरिक्त पार्टियां भी लगाई गई। अब रात में वह ताल वृक्ष रेंज में पहुंच गई बताई है, जहां उसके रेडियो कॉलर के सिग्नल अलग अलग जगह मिलने लगे हैं, पर अभी तक ना तो कैमरे में वो कैद हो पाई है और ना ही उसके किसी तरह के पग मार्क मिल पाए हैं। अगर शावक के साथ कैमरे में फोटो मिलती है तो सरिस्का प्रशासन के लिए बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है।